पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे रंगीन और सबसे संगीन ब्यूटी वीना मलिक। क्या बात है, क्या बात है। मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अमन के लिए लोग जो है वो डव्स उड़ाते, परिंदे उड़ाते, हमारे यहाँ पर वाकई में एक जीती जागती मिसाल बैठी हुई है वीना मलिक। तो वीना, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, हम अपने दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में 4 फिल्म्स मुकम्मल हैं मेरे बॉलीवुड के। वन इज दाल में कुछ काला है, दूसरी फिल्म है जो नाम से कॉमेडी लग रहा है। हाँ बिल्कुल, कॉमेडी ट्रैक है। okay. और एक और फिल्म है जिंदगी 50-50, एक बहुत ही सीरियस इशू के ऊपर है वो फिल्म। और मुंबई 125 किलोमीटर्स इज द थर्ड मूवी जो कि 3D थ्रिलर हॉरर है, एंड आई हैव डन लॉट ऑफ एक्शन सीक्वेंसेस इन द मूवी। और फोर्थ फिल्म अभी फीजी से कंप्लीट करके आई हूँ मैं, दैट इज कॉल्ड सुपर मॉडल। एंड फिफ्थ फिल्म इज गोइंग टू बी ऑन द फ्लोर्स इन फ्यू डेज, 4-5 दिन में, एंड दैट इज द डर्टी पिक्चर। डर्टी पिक्चर कौन सी भाषा में हो रही है? कन्नड़ा वर्जन। कन्नड़ा में हो रही है, क्या बात है। एंड यू आर गोइंग टू स्पीक कन्नड़ा? आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मुझे कन्नड़ा सीखनी चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स जब आपकी आवाज़ को कोई और डब करता है तो वो मज़ा नहीं आता। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं कन्नड़ा सीख पाऊँ, और क्योंकि 40 दिन का स्पेल होगा तो शायद उस दौरान सल्पा थोड़ा। क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि आप हमेशा से एक्टर बनना चाहती थी? Not really. It just happened to me. But yes, I still remember जब मैं 10 साल की थी, तो तब से मैं अपने नोटबुक के ऊपर, मतलब आज से 5 साल पहले, हाँ लगभग इतना ही, लगभग इतना। Okay. So मैं अपने नोटबुक के ऊपर, I used to draw these long lashes and high heels, and my grandma used to ask me, क्योंकि हम पंजाब में रहा करते थे, तो मेरी grandma मुझसे पूछती थी, आपने कहीं देखा है सब? मैं कहती थी नहीं। तो ये क्या है? मैं कहती थी हाई हील्स हैं और लॉन्ग लैशेज हैं, रेड पाउटी लिप्स हैं। तो आई डोंट नो, मे बी अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली मैं शायद बनना चाहती हूँगी, बट आई हैव रियलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक एट द एज ऑफ 14 और 15, यही एक दो बस, साल पहले। बिल्कुल, आप पिछले साल की बात कर रही हैं। तो तब मुझे पता चला कि मुझे लगता है कि मुझे एक्ट्रेस ही बनना है, एंड आई वांट टू बिकम एन एक्टर। फैंटास्टिक। आपकी ग्रैंडमा अगर कहीं से देख रही होंगी तो अब आपके लॉन्ग लैशेस भी देखेंगी और आपके जो 6 इंच इन्होंने हाई हील्स पहने, प्लीज जरा दिखाइए। हाँ बिल्कुल, फैंटास्टिक। एंड द पाउटी लिप्स, ऑफकोर्स शी इज गॉट एवरीथिंग टू बी अ हीरोइन। फैंटास्टिक। अच्छा ये बताइए, वर्स्ट पिकअप लाइन क्या होगी? किसी मर्द ने आपको देखकर यू नो कहा होगा, ओहो जाने मन क्या कर रही हो आज शाम को, टाइप्स कोई घटिया लाइन जो आपको लगता है कि यार क्या बोल रहे हैं, उसे दो चमाट मारूं। वेल वर्स्ट पिकअप लाइंस बहुत कम मैंने सुनने को मिली, हमेशा बहुत ब्यूटीफुल पिकअप लाइंस ही मैंने सुनने को मुझे मिली हैं। इस वक्त 2-3 तो मेरे जहन में आ रही हैं। बोलिए। लाइक इट वॉज सो रैंडम बट इट वॉज सो ब्यूटिफुल। नॉर्मली इतनी थोड़ी सी तारीफ मुझे इम्प्रेस करती नहीं है, बट इट्स ओके बिकॉज एक शो में एक्स प्रेजिडेंट मुशरफ थे अभी रिसेंटली, तो उनको किसी ने पूछा कि होस्ट ने पूछा कि व्हाट यू थिंक ऑफ वीना मलिक, एंड ही वाज लाइक वीना मलिक इज ब्यूटीफुल। एंड मजे की बात यह है कि उनकी बीवी उनके साथ में बैठी थी, बट दैट वाज सो ब्यूटीफुल, एंड आई वाज लाइक ओह दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स सो क्यूट। एंड वन मोर लाइन आई गेस प्रॉब्ली सलमान खान आस्क्ड अजय देवगन कि वीना मलिक आपको कैसी लगी, तो बिकॉज आई लव अजय देवगन अ लॉट, तो आई फाइंड इट रियली क्यूट, एंड ही वाज लाइक कैसी लगी, बहुत जोर से लगी। That was interesting. ओहो, काजोल बगल में नहीं थी? नहीं, but I think I can challenge काजोल on that. The day I'm gonna meet Ajay again, तो मैं उनको पता लूंगी। क्या बात है, fantastic. काजोल beware. अच्छा किसी मोहतरमा ने आपको देखकर कोई ऐसा कमेंट छेड़ा? बढ़िया ही लंबे टांगे वाली, इस टाइप की कोई कमेंट पास की? बेशुमार, बेशुमार actually. इस तरह की बातें तो आसपास में काफ़ी मैं सुनती रहती हूँ, बट सरप्राइजिंगली मुझे जितने कमेंट्स आदमियों से मिलते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे कमेंट्स लड़कियों से हमेशा। अच्छा, मुझे क्या बात है, वाह, जरा कीप अप्रिशिएटिंग मी। एंड एक दफ़ा मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझसे कह रही थी कि इतने लड़के लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं जितनी लड़कियां लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, एंड आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल। फैंटास्टिक। सो ढेर सारी ब्यूटीफुल लाइंस मुझे हमेशा लड़कियों से सुनने को मिलती है। क्या बात है, फैंटास्टिक, लवली लवली। मतलब ऐसा नहीं है कि लड़कियां सिर्फ जलती हैं,
लड़कियां तारीफ भी करती हैं, है ना। अच्छा, आपके हिसाब से आज फिल्म इंडस्ट्री में सबसे हॉट हीरोइन कौन है? हॉटेस्ट आई थिंक आई वुड से करीना कपूर। शी इज ब्यूटीफुल, शी इज हॉट, शी इज एलिगेंट, आई थिंक आई लव हर। ऑलराइट। अच्छा, मुंबई में आप अभी, ये आपकी कर्म भूमि है, मतलब जहाँ पर आप काम कर रही हैं। आपका घर है रावलपिंडी में, लाहौर में। लेकिन मुझे हिंदुस्तान भी अपने घर के जैसा ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल वो लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं बन रहा हूँ मैं। इनफैक्ट यही कहने जा रहा हूँ कि क्या क्या सिमिलैरिटीज लगती हैं आपको? ऑनेस्टली पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कुछ खास फर्क है नहीं। मौसम, कल्चर, लोगों का जज्बाती होना, दंगे, फसाद, मैच फिक्सिंग, करप्शन, सो एक जैसे ही हैं ऑलमोस्ट दोनों मुल्क। ज्यादा तो मुझे कर लगा नहीं कि मैं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा कि कंजर्वेटिव ज्यादा नहीं है पाकिस्तान में? आई थिंक कंजर्वेटिव्स आर एवरीवेयर। वो दुनिया के किसी भी मुल्क में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, बट यस पाकिस्तान में, क्योंकि दो तरह के ग्रुप ही एग्जिस्ट करते हैं, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स, सो आई एम द लिबरल वन। फैंटास्टिक। अच्छा, आपके हिसाब से एक ideal man kaisa hona chahiye? What's the definition of an ideal man according to you? I think who makes a girl laugh a lot, who makes a girl very happy, and koi bhi aisa mard jiske sath rehke ladki khush reh sakti hai, wo ideal mard hai. Mardon se kabhi ye sawal nahi pucha jata ki aapke hisab se ek ideal woman kaun hai? Ha to kyu puchenge na, wo unke nahi, kyun yani itni aurte nahi milengi na. Oh my god. मेरा दिल चाहता है, एक बात पे मैं मर्दों को बहुत एनवी करती हूँ, मुझे बहुत रश्क और जेलसी होती है कि काश सिर्फ एक सिचुएशन पे मुझे लगता है कि काश मैं मर्द होती कि वो कहीं भी खड़े होकर सुसु करते। नहीं, इससे भी बढ़ के एक और बताइए। कि एक मर्द एक वक्त में चार औरतों से शादी कर सकता है, काश मैं मर्द होती। राइट। लेकिन कितना, मतलब ये अफसोस वाली बात है यार, आपसे एक नहीं संभली जा रही है, आप चार चार लेकर आ रहे हो। आई कैन हैंडल। यू कैन? फैंटास्टिक। काफी सारे मर्द पाकिस्तान में हैंडल करते हैं, अगर मैं मर्द होती तो मैं भी हैंडल कर सकती थी ना। हाँ, आपने बिग बॉस में भी कुछ हैंडल किया था। मैंने जिंदगी में काफी कुछ हैंडल किया है। ओके। अच्छा, आप जब से मुंबई आई है रहने, आपका पाला कभी रिक्शा वालों से पड़ा है या घर में जो काम करती है उस औरत से पढ़ा है, मेड से पढ़ा है? बताइए शेयर कीजिए, ये हम मुंबई वालों के बड़े दिल का करीब है ये। बट हमेशा मेरे एक्सपीरियंसेस कुछ अच्छे ही रहे हैं। अच्छे रहे हैं? मुझे ट्रस्ट मी, अक्सर मेरी दोस्तों के साथ बात होती रहती है कि मेरे क्रिटिक्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, पता नहीं कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, और वो लोग जो कि हेट्रेड दिखाते हैं वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक एक भी लम्हा ऐसा याद नहीं है कि कोई शख्स मेरे सामने खड़ा हो और उसने मुझे प्रेज नहीं किया हो, मुझे अप्रिशिएट नहीं किया हो, मुझे पसंद नहीं किया हो, मुझसे हंस के बात नहीं की हो। आई रियली वांट टू नो कि मेरे हेटर्स और क्रिटिक्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, मेरी ज़िंदगी में नहीं करते। सो रिक्शा एक मरतबे ऐसा हुआ था जी, हिंदुस्तान में तो पाला नहीं पड़ा, पाकिस्तान में ऐसा हुआ था कि एक दफ़ा मुझे शूट पर बहुत जल्द पहुँचना था, टू सम हाउ मेरी गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, शायद उसकी की मैंने कहीं रख दी और मुझे मिल नहीं रही थी। okay. तो मैंने कहा चलो रिक्शा रोको और उसी में चलते हैं। बट आई थिंक रास्ते में हमने खूब गपशप लगाई, सब्जी के रेट पूछे, मिर्चे नमक के रेट पूछे, आजकल क्या चल रहा है, आपके घर में बत्ती आती है नहीं आती है। सो इट वॉज सो मच ऑफ फन, और मुझे लगता है कि तब मैंने सोचा था कि इट्स सो ब्यूटिफुल, आम लोगों के कितने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, कि हमारे घर में लाइट नहीं है, हमारे घर में आज सब्जी क्या बनेगी, बट लुक एट अस, हम लोगों के कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं। आज ब्रेकअप हो गया, कोई ढंग का लड़का नहीं मिल रहा, मेरा मेकअप क्रैक हो रहा है, बहुत ज़्यादा सारे लड़के मिल गए, किसको चूज करूँ, ओ माय गॉड मेरी पफिंग, ओ माय गॉड मेरी लैशेस निकल रही, ओ माय गॉड मेरा ड्रेस ठीक नहीं, कितने बड़े इश्यूज हैं। बिल्कुल बड़े इश्यूज हैं। ये क्या है, बिजली नहीं है और खाने को राशन नहीं है, ये थोड़ी कोई इश्यूज होते हैं, दीज आर सच ह्यूज इश्यूज वीना। अच्छा, टेल मी, ये वीना मलिक, ये बिल्कुल हिंदू नाम लगता है, तो ये इसके पीछे क्या है राज? यू आर राइट, मुझसे जितने भी लोग मिलते हैं कहते हैं कि आप इंडियन हैं। आप आर यू रिलेटेड टू अनु मलिक? आई थिंक अनु मलिक इज रिलेटेड टू मी। ओह गॉड, आई डोंट नो, ऑल द बेस्ट।
एनीवे ऑल द बेस्ट तनु. हाँ जी बताइए. ये वीणा नाम जो है ना वो बिल्कुल मतलब या इट इज जब मैं पैदा हुई थी क्योंकि मेरी दादी अम्मा ने मुझे पाला जी. तो 3-4 महीने के बाद मेरी ग्रैंड माँ ने कहा क्योंकि मैं इसको पाल रही हूँ तो इसको नाम मैं दूंगी एंड इनका नाम होगा जाहिदा मलिक. सो मेरे मॉम एंड डैड ने मुझे दिया था वीणा मलिक. बट आई स्टिल आस्क माई मदर कि वीणा बिकॉज वीणा जो था वो मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे नाम दिया था एंड आई डोंट नो मे बी इट्स बिकॉज दिस कनेक्शन it's so beautiful. Yeah, absolutely. लोग हमेशा मुझसे मेरे नाम के बारे में पूछते हैं. Absolutely. It's very Indian name. It's very Indian and ऐसे लगता है ना कि फिर आप हमारी ही लगती है. तो मैं हूँ ना. हाँ हाँ बिल्कुल. अच्छा अब हम औरतों की बात कर रहे हैं. औरतों की. हाँ मतलब आपकी अभी और 3 नाम मैं लूँगा आपके सामने. एक है सोनिया, एक है मायावती, ममता और जयललिता. ये नाम सुने आपने? जी काफ़ी टीवी चैनल्स पे सुनती रहती हूँ बट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑल दैट. उनके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं. ये 4 हीरोइंस हैं इंडियन पॉलिटिक्स की जी. तो आपका कभी इनसे पाला पड़ा है? मतलब आपने कभी 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 मिलना हुआ है इनसे? हाँ नहीं, टेलीविजन पे काफ़ी मुलाकात होती रहती है. अच्छा. जैसे सब लोगों की होती है बट इन पर्सन कभी नहीं. अच्छा है. टीवी अच्छा, पर मुलाकात रहनी चाहिए. बिल्कुल इन लोगों से तो टीवी पर ही मुलाकात रहनी चाहिए. अच्छा आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? इंडियन पॉलिटिशियन बताइए. अगर आप मुझसे किसी हीरो के बारे में पूछते किसी नहीं ऐसा होता ना कि भैया एक पॉलिटिशियन फेवरेट एक जो जो मर्द सियासत करता है सियासत मतलब सियासत वो कैसे किसी का फेवरेट हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अगर मान लीजिए राहुल बाबा कि हाँ बड़ा क्यूट है. He is a good looking man. हाँ exactly. उसी तरह मैं पूछ रहा हूँ कि उनके पॉलिटिक्स के बारे में मुझे कुछ पता नहीं. हाँ उनके लुक्स के बारे में काफी कुछ पता है. वो तो यार भाड़ में मुझसे हमें कुछ लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में. हमें तो भैया यहाँ पर जो पूछना है वो ये गुड लुक्स. बस गुड लुक्स गुड लुक्स. एंड टेल अस समथिंग अबाउट दैट आईएसआई मार्क. नहीं क्योंकि यहाँ पर होता है ना कि जो जो भी प्रोडक्ट आपके पास आता है वो देखिए ISI मार्क है कि नहीं. तो हम लोग ऐसा समझते हैं इंडिया में कि ISI मार्क होगा तो ये बहुत अच्छा होगा. अच्छा. तो उसी तरह से ISI कहीं और कुछ और मतलब रखता है. तो बीच में आपकी एक तस्वीर देखी थी जिस पर एक ISI का टैटू था. वॉट वॉज दैट टेल अस? असल में यही हुआ था कि जो मैगजीन का शूट जिन लोगों ने किया था उन्होंने भी मुझे कुछ यही सुना के ट्रैप किया था कि ISI इज ISI वीना जी. इट्स वेरी इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग शूट. एंड आई वाज लाइक ओके. बट लेटर ऑन जब वो कवर पे आया तो उसमें मेरे कपड़े ही नहीं थे. मैंने कहा ये इंटरेस्टिंग शूट था आपने. मैंने कहा आई वाज हार्डली वेयरिंग अ बिकिनी. वो भी आपने उतार दी. इट्स सो बैड. ऑफ कोर्स इट वाज लाइक रियली सैड एंड अपसेटिंग फॉर मी. राइट नाउ आई एम मेकिंग फन ऑफ एवरीथिंग बट लाइक इट वाज हॉरिबल एक्सपीरियंस. Someone can morph your pictures and put it on the cover to make it look like altogether something different. It was horrible. Okay, what do you think about Rakhi Sawant and Poonam Pandey? I think nothing of them. You must have heard. I mostly right? think about guys. Okay, fantastic. Okay, अभी एक एक lie detector test होने वाला है यहाँ पर. Oh really? हाँ Please जी. don't do that. I'm going to fail that test. एक सवाल पूछ रहा हूँ. इतना सोच क्यों रहे हैं? नहीं सोच नहीं रहा हूँ. मैं जरा उसे थोड़ा कंस्ट्रक्ट करने के चक्कर में था. लेकिन पूछ ही डालता हूँ ना. What do you think about sex? Sex is beautiful. Before marriage, after marriage? Whenever. Fantastic. आपकी favorite position कौन सी है? I don't mind any position as far as you are enjoying. Okay. That concludes this mind-blowing interview with Veena Malik. Thanks a lot, Veena. Thanks a ton for coming here. Pleasure. हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपका फिल्मी करियर बहुत बहुत सक्सेसफुल हो और आपको मन की शांति मिले और आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री और हेल्दी हो. थैंक यू वेरी मच. इतने एक्साइटमेंट के बाद आई नीड अ गुड नाइट स्लीप. तुम भी जाओ और कितने वीडियोज देखोगे भाई. जाओ ना यार, सो जाओ. गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, जय हिंद. I must be
it's in